वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। आप लोग अपनी लाइफ में कैसे हो मुझे बताना। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे अपनी जिंदगी में, अपनी मतलब अपने अपने घरों में। काफी दिन हो गया था, सोचा आज ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बच्चे जा चुके हैं दोनों स्कूल, विनय है ऑफिस में और मिट्टू मेरा बच्चा इधर निहेल रहा है। और मिट्टू ने कल एक कांड कर दिया। मंदिर में जो मेरे शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी वो उड़ा, जिधर वो बैठता है वहां से उड़ के सीधा मंदिर पे गया और मंदिर से वो मूर्ति गिरी नीचे और पूरा चूर चूर हो गई वो मूर्ति। मूर्ति दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी तक विसर्जन नहीं किया है। तो अभी ये विसर्जन करवाना है विनय से, कल सोमवार था इसलिए मैंने सोचा कि कल ना करवा के आज करवा दूंगी क्योंकि कल भोलेनाथ का ही दिन था। तो और मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों को बता दूँ, मिट्टू तो अपना खेलने में बिजी है। विनय से कल मैंने पूछा था कि तुम क्या खाओगे खाने में मुझे बताना, क्योंकि क्या है ना वो काम पे चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं खाना क्या बनाऊं। और मैं तो कुछ भी बना के खा लेती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कुछ ऐसा बनाओ जो उनको पसंद आए। दाल बना दिया ये वो, नॉनवेज रहता है तो ठीक है नॉनवेज, बाकी सब्जी बना दूंगी तो सब्जी पूरा पूरा वेस्ट होता है। तो मैंने आटा गूंद के रख लिया है, राइस बना लिया है और उन्होंने कल बोला था वो बेसन को भून के कटिंग करके उसकी सब्जी बनती है। ये देखो इसको ऐसे मैंने जमा दिया है भून के, इसको अभी पीसेस में कट करके फ्राई करके इसकी सब्जी बनेगी। तो पानी मेरा गर्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के पूजा करके फिर आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइज मेरा खाना भी बन गया, पूजा हो गया, नहावा के फ्रेश हो चुकी हूँ मैं। और मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई, शूट करना तो था लेकिन सनी का फ़ोन आ गया था, वीडियो कॉल चालू था तो फिर मैं कर नहीं पाई। और हमने सोफ़ा लिया है, न्यू तो नहीं लिया है, सेकंड में लिया है लेकिन बहुत अच्छा कंडीशन मिल गया हमको सही प्राइस में। हमने मतलब सोचा था न्यू ही लेने के लिए बट हमको अच्छे कंडीशन में मिल गया तो हमने ये ले लिया। और कल हमने इसको खुद के हाथ से ड्राई क्लीन किया घर में ही, आप लोग को दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। था ना ये देखो, मुझे ऐसा ही सोफ़ा चाहिए था एल शेप का, क्योंकि क्या होता है ना मम्मी आती है बच्चे आते हैं तो सोने होने में वो भी कंफर्टेबल रहे अच्छे से, हम ऊपर सोते हो वो नीचे सोए अच्छा नहीं लगता है। और उनका ऐसा है कि नहीं मामी चलेगा लेकिन मुझे नहीं पसंद था। तो हमने ले लिया है फाइनली सोफ़ा और ये सोफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया। तो जैसे कि आ रही है हमारी शिवरात्रि तो थोड़े काम है, मैं मतलब रोज थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ काम निकाल के, जैसे क्लीनिंग हो गई और हर किचन हॉल हर जगह सामान, डीमार्ट गए थे तो सारा सामान सेट किया था, तो ड्रॉवर वगैरह भी उसी टाइम साफ करके सब कुछ सेट कर लिया। और सोफा आ गया तो सोफे पे भी स्टोरेज है तो जो बाकी इसके बाद बाबू के टॉयज थे वो रख दिया अंदर। आज मुझे जाने का है पूजा का सामान लेने, क्योंकि क्या है शिवरात्रि हो रही है 8 तारीख को, उस टाइम विनय का सैलरी का रहता है, ऑफिस उनका रहता है तो बिजी बिजी चलते हैं वो। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके काम पटा लेंगे तो फिर क्या, उस टाइम उस दिन एक तो व्रत रहता है, ऊपर से शाम को पूजा करना रहता है, सुबह मंदिर जाना रहता है, दो दो बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है हेडेक। एक तो मैं दोपहर में व्रत में निकल जाती हूँ, मुझे धूप सूट नहीं होता है, धूप में मैं निकलना नहीं चाहती लेकिन निकलती हूँ, मजबूरी है जाना पड़ेगा। तो जल चढ़ा के आने के बाद फिर मेरी हालत एकदम खराब होती है क्योंकि मुझे धूप सूट नहीं होता है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ज्यादा करके जो जो सामान ऐसा है जो मैं पहले से लाके रख सकती हूँ पूजा का तो वो मैं आज ले लूंगी। और वो मूर्ति जो टूट गई है उसको विसर्जन करनी था आज, तो वो करना है, दो तीन काम है। कल मैंने ये सोफा मैंने और विनय ने मिलकर ड्राई क्लीन कर लिया, मैंने कल विंडो साफ कर लिए थे, अभी एक दो दिन में मुझे किचन भी क्लीन करना है। मैंने सोचा कि थोड़ा दिन नजदीक आ जाएगा फिर किचन धोऊंगी ताकि क्लीन रहे उस वक्त पर। और मंदिर भी क्लीन करना है, मंदिर में करूंगी आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे कल करूंगी मंदिर क्लीन। और क्या बोल रही थी मैं,
कुणाल का बर्थडे भी है 7 को, तो 7 को मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा चीजों को करने के लिए। और उसके बाद 8 को शिवरात्रि, 9 को विनय का बर्थडे है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे 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 करके सारी चीज, क्योंकि आप लोग जानते हो घर में मैं और विनय हैं काम करने के लिए, तो विनय का भी जितना हो पा रहा है वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बाकी धीरे धीरे हम कर रहे हैं, तो बने रहो हमारे साथ। विनय यहाँ भी पर आएंगे वापस, उनको शिवाय टाइम आ मिल गया था जाएगा स्कूल से, तो फिलहाल उसके बच्चे बाद मैं उसको अंडा रोटी खिला रही थी क्योंकि उसको खाना नहीं खाना था इसके लिए, और टीवी देख रहा था वो मस्त, इधर मिट्टू बैठा हुआ था। सो गाइस, हो चुकी है शाम, थोड़ा सा दोपहर में मैं सो गई थी और अभी जा रही हूँ नीचे, थोड़ा नाश्ता लेने का है और विसर्जन करने का है सामान, और कायरा का प्रोजेक्ट है, अभी उसका डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट चालू है, प्रोजेक्ट और टेस्ट, क्योंकि उसका 4th यूनिट हुआ नहीं, तो हम नीचे जा रहे हैं। कायरा ट्यूशन गई हुई है और बाबू जगा हुआ है, बाबू ने अपनी पढ़ाई कर ली है ना बाबू, आज के आपने टीवी फोन देते तो देख रहे थे और उसके बाद आपने पढ़ाई किया ना, हाँ पढ़ाई में आज आपने क्या लिखा आज, तो वो क्या बनाया आपने? 4। फोटो बनाना ही चाहता टीवी फोन देते तो अब हम जा रहे हैं नीचे, है तो ना? टीवी फोन देते हैं तो ओके, नीचे जाते हैं टीवी फिर मिलते हैं। फोन। सो गाइस, हमने मूर्ति डाल दी है पानी क्या में बोल रहे हो आप? और बहुत ज्यादा इधर ठंडी है, वहां हाइड्रेटर फ्रिज है, यहाँ पर डाल दिया हमने पानी में। हाँ ता ओके, चलते हाँ हैं हम बस। जाओगे? नहीं, हम आ चुके हैं घर नाश्ता करने के बाद, और कायरा भी आ चुकी है ट्यूशन से, हम आए तो वो घर पे थी, इसके पास रहती है चाबी, आ जाती है, थोड़ा 19-20 रहता है, 10-15 मिनट का तो हम घर पर आ जाते हैं। और इसको देखो, ये देखो फ्रूट यहाँ पे रखा हुआ था, तो पेरू इसने नीचे गिरा दिया दांत से, तुमने इसको इधर खसकाया था। मैं बुक्स निकाल दूँ टाइम टेबल से। मिट्टू बेटा ये हमने ये टॉवेल यहाँ पे इसलिए लगाया है ना सेफ्टी के लिए, क्योंकि ना ऐसा ये इधर जैसे ये देखो, फ्लैश चालू करती हूँ, ये गोल्डन कलर का है तो वो भी उस साइड भी है, तो मिट्टू काट देगा, उसके सेफ्टी के लिए लगाया हमने। और डिम लाइट चालू है घर में, इसलिए ज्यादा रोशनी नहीं आ रही है। चालू कर लीजिए ना फिर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा। और आते आते कल विनय को खाना है पालक पनीर, तो मैंने सारा सामान ले लिया, पनीर नहीं मिला। बाबू तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, ना ना ना। और ये देखो, ये मूली का साग है, मैं अपने लिए बना रही हूँ, और दिन की बेसन की सब्जी, चावल रोटी है, वो ये लोग खाएंगे। क्या बेसन की सब्जी? तुम वो खाओ ना, मूली की सब्जी खाओ ना मेरे साथ। तो गाइस, हमारी सब्जी बन जाती है, उसके बाद मिलते हैं। और एक बात और बोलनी है, जब मैं वो मूर्ति डाल रही थी पानी में, तो मैं मतलब एक बार ऐसा मन हुआ कि मैं शूट करूं, बट उस टाइम ऐसे जल्दी जल्दी था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और इधर हमको किधर गए थे विनय, हम लोग गोरबंदर रोड ना, वहां गए थे हम लोग, उधर नहीं जाना था हम लोग को, पास में ही करना था, लेकिन पास में कहीं वैसा पानी का अरेंजमेंट नहीं दिखा। और क्या होता है ना, अगर हम ऐसे रख कर आ जाए और सोचे कि वो लोग डाल देते, तो वो जो वो बनाए रहे थे वो लोग डालते नहीं है, ऐसे वेस्ट में कचरे में डाल देते, और वो मूर्ति मुझे पानी में ही डालना था, तो इसीलिए जाके उधर ब्रिज पे जो पानी है उधर मैंने बहते पानी में डाल दिया, तो संतुष्ट हो गया मन। अब देखते हैं, अभी विनय भी बोल रहे हैं कि शिवलिंग ही ले लेते हैं, शायद हमारे घर में शिवलिंग का आना होगा, क्योंकि अगर वो मूर्ति, मैं काफी टाइम से सोची भी थी कि दूसरी मूर्ति लूँ या शिवलिंग लूँ, लेकिन ऐसा था ना कि मैं वो मूर्ति के आगे और कुछ सोचती नहीं थी, तो शायद मूर्ति के बाद शिवलिंग आना होगा घर में।
तो देखते हैं जैसा रहेगा। सो दोस्तों अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हमारा खाना मतलब मेरा खाना बन चुका था जो सब्जी मैं बना रही थी। और हुआ ये कि मैंने अपने लिए एक मिनट मैंने अपने लिए मूली की सब्जी और दो पराठा बनाया था। तो हमको बनाना था वीडियो, तो उसके लिए मैं खाना लेकर आ रही थी। वो वीडियो हमने अपलोड किया, आप लोग ज़रूर देखना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर भी डालूंगी मैं। तो हुआ यूँ कि जो मैंने अपना दो पराठा बनाया था वो हमारा बस वीडियो बनाने में ही चखने में वो चला गया। अब जो ये खाना है ये देखो, ये पूरा विनय का था। अब मैं इसमें से खाऊंगी क्योंकि मेरा खाना विनय ने खाया है थोड़ा, और बोल रहे थे अंबिका सब्जी बहुत अच्छी बनी है। विनय ये खाते नहीं है, मूली के साग है, मैं अकेले खाती हूँ। और कायरा खा रही है बेसन की सब्जी, मस्त बनी है, अच्छी है, और राइस। और मिट्टू बेटा देखो इधर ऐसे बेचैन हो रहा है। मिट्टू बेटा कहाँ हुआ, आओगे आओगे आओगे? इसको भी थोड़ा खाना दे देती हूँ। और फिर आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय।